हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। अपना और अपने से बड़ों का ख्याल रखिएगा। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि हम मैथ्स ट्रिक अपनी कंटिन्यू कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और इन सब से रिलेटेड ट्रिक्स देखी थी। और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम जो देखेंगे वो हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक ही देखेंगे। जो पहले देखी वो और मल्टीप्लिकेशन थे, जो आज देखेंगे हम वो और मल्टीप्लिकेशन है। आप लोग जानते हो कि पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन किए हैं वो 10 की पावर रख के करे हैं, लेकिन आज जो हम मल्टीप्लिकेशन देखने जा रहे हैं वो हमारी 20, 30, 40, 60 इनके करीब जो नंबर्स आते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखेंगे। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मेरी वीडियोस बाकियों को भी मिल सकें और वो इसे देखकर उसको अपनी नॉलेज को और अपनी स्पीड को एनहांस कर सकें। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली ट्रिक है वो क्या कहती है? मैंने क्या कहा कि 10 की पावर से हट के लाइक 20 की पावर हो गई, 30 के करीब हो गई, 40 के करीब हो गई, इस टाइप के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये आज हम देखेंगे। ओके, तो सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपको क्या करना है 48 × 48 का गुणा करना है। तो आप मुझे बताओ, वैसे तो इसका एक्चुअल बेस आप क्या लोगे बताओ? ये किस में आता है? 100 में आ रहा है ना, 100 में आ रहा है ना, 100 के अंडर है। बट ये आता किसके आसपास है? आता तो 50 के आसपास है। तो 100 में से आप 50 कैसे ला सकते हो? ऑब्वियसली अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। और 50 इसका क्या है? नियर बाय है। और यही 50 हमारा क्या हो जाएगा? वर्किंग बेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम किस पे कर रहे हैं? 50 पे कर रहे हैं। बट जो हमारा एक्चुअल बेस है वो कितना है? 100 है। तो आप बताओ मुझे 48 और 50 में से कितना कम? 2 कम। फर्स्ट हम क्या करते थे? राइट हैंड साइड डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे, देन हम क्या करते थे? इसमें से माइनस कर देते थे, या तो उसमें से या तो उसमें से। क्या आ जाता था हमारा? 46 आ जाता था। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो आप अपना वर्किंग बेस लाए हो ना, वो जिससे भी या तो आपने मल्टीप्लाई करा है या किसी से भी आपने डिवाइड करा है, उसी डिजिट से। अगर आपने डिवाइड करा है तो आपको डिवाइड करना है, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिजिट आएगी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 2, 3, और ये एज इट इज़ उतार दो, 0, 4, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हमारा और लेते हैं हम। सपोज आपको 57 × 57 करना है ना। अब आप मुझे बताओ कि इसका बेस एक्चुअल क्या होगा? अब ऐसा नहीं था, देखो जो हमने बेस पीछे लिया था ना एक्चुअल, वो 100 लिया था, 10 भी ले सकते थे हम। 10 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जिसके भी आसपास के डिजिट्स हैं उसको बनाने के लिए देखो। अब आप ऐसे देखो कि 57 जो है इसका हम एक्चुअल बेस कितना मान सकते हैं? एक्चुअल बेस कितना मान सकते हैं? 10 मान लो या 100 मान लो, कुछ भी मान लो। अब 10 को अगर आपको 60 बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ? वर्किंग बेस लेना है आपको। अब बताओ 57 आसपास किसके है? 60 के आसपास है ना। तो 10 से 60 कैसे बनाओगे? 10 में जब 6 का गुणा करोगे तभी 60 बनेगा, है ना। तो ये हमारा क्या है? वर्किंग बेस है। क्यों? क्योंकि इसी पे हमें काम करना है। और ये हमारा क्या हो गया था? एक्चुअल बेस हो गया था। तो 57 और 57 बताओ कितना कम है 60 में से? 3 कम है। क्या करना था? पहले हमें राइट हैंड साइड की डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, देन इसमें से आप क्या करोगे? माइनस कर दो। 57 में से गए तो कितना बच गया? 54। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपने देखो क्या करा है? मल्टीप्लाई करा है। तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई ही करोगे। इनकेस अगर आप 100 में से करते है ना, तो आपका या तो देखो डिवाइड होता है 5, 2 से, आप यहाँ किससे करोगे 60 लाने के लिए बताओ? नहीं आएगा ना 100 में, इसलिए यहाँ पर बेस जो है वो 10 रखा है, जिससे कि हमारा 60 ईजिली आ जाए। अब यहाँ अगर आपने मल्टीप्लाई करा है तो आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 64 × 24, 65 × 30 और 32, और 09 एज इट इज़ उतार देना है, यही आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा, है ना? समझ आ रहा है ना? ओके, आई होप आप, चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।